السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم

कि आज के इस दरस में इन हमारा मौजू होगा मोमिन की दो अजीम सिफात सब्र और शुक्र इसकी ज़रूरत हर इंसान को है अगर एक आदमी दुनिया की ज़िंदगी कामयाबी के साथ खुशहाली के साथ और पुरसकून जीना चाहता है तो ये दो सिफतें लाजमी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में दाखिल करे और दूसरी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए ये है कि इसके हसूल पर और इस सिफत को पैदा करने पर अगर किसी मजहब ने और किसी दीन ने उभारा है तो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है और अल्लाह रब्बुल रब्लम ने सिर्फ़ उभारा ही नहीं है बल्कि ईमान वालों को इन दो सिफात के अपनाने पर अगर वो इन दो सिफात को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेते हैं तो साथ है साथ उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारत भी देता है तो एक तो ये सिफात ऐसी हैं सब्र का होना और शुक्र का होना ये दो सिफात ऐसी हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना लेता है जहनी तौर पर मुकम्मल तौर से पुरसुकून हो जाएगा और आलमीन इसके हासिल करने के बाद इसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बेशुमार अज़र अज्र सवाब और, और बहुत ही बेहतरीन बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है सब्र और शुक्र इन दो चीज़ों की ज़रूरत इंसान को इसलिए भी है कि दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश वाली जगह बनाया है यहाँ पर फितने हैं आजमायशें हैं और इसी तरह से आदमी कभी कभार हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो परेशानी में अपने आप को संभाल नहीं पाता है और कभी कभार वो इतनी नेमतें उसको मिल जाती है कि वो उन नेमतों में भी इतना ज़्यादा खुशी में मुब्तला हो जाता है कि कभी वो किब्र का घमंड का या इसी तरह से अपने से कमतर जिनको वो नेमतें नहीं मिली है उनको कमतर समझना उनको ये समझना कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है इन इस तरह की चीज़ों का वो शिकार हो जाता है जो उसको दुनियावी तौर पर भी नुकसान पहुंचाती है और आखिरत में तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा खसारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा ही है जो किब्र और घमंड जैसी सिफत में मुबतला हो जाते हैं लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की जो ज़िंदगी बनाई है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइशें और मुसीबतें दोनों तरह की चीज़ रखी है आजमायशें हैं मुसीबतें हैं नेमतें हैं खुशहालियाँ हैं ये तमाम चीज़ें क्यों हैं इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में खुद दिया है कि दो असबाब हैं पहले हम मुसीबतों को जान लेते हैं मसाइब या मुश्किल जिनका सामना एक आदमी को करना होता है तो उसमें पहली चीज़ कि अल्लाह रबालमीन ने ये मसाइब और मुश्किल क्यों रखे हैं वमा असाबुम मुसीबतिन फबीमा कसबत अदी कुम वया आफ़ो अनकर कि तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत जो कुछ भी परेशानी पहुँचती है फब कसबत एदी कुम ये तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ है व्याफ़ोनक और अल्लाह रब्लम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करता है अल्लाह रब्लम का रहम और करम इस आयत में देखें कि अल्लाह रब्लम ने फरमाया जो मसायब और मुश्किल तुम्हें पहुँच रहे हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ है तुमने जो गुनाह किया है तुम्हारे गुनाहों की बदौलत तुम्हारे ऊपर मसायब और मुश्किल आ रही है लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो अल्लाह रब्बालमीन हर नाफ़रमानी हर मासीत और हर गुनाह पर बंदे की पकड़ नहीं करता है अगर अल्लाह रब्लम हर गुनाह पर हर मासीत पर हर नाफरमानी पर पकड़ करने लग जाए तो दुनिया के अंदर शायद ही कोई बंदा हो जो सही सालिम बाकी बचे लेकिन अल्लाह रब्आमिन का एहसान और करम है अल्लाह रबालमीन की रहमत है दूसरा सबब जो मसायब और मुश्किल आती हैं ये अल्लाह रबालमीन की तरफ से लिखी हुई हैं अल्लाह रब्बालमीन ने मुकर्र किया है कुल नहीं उसी बना इल्ला का तबल्ला कह दीजिए हमें वही मुसीबतें वही चीज़ें पहुंचती हैं जो अल्लाह रब्लम ने हमारे लिए लिख दिया है अगर आपको खुशहाली मिलती है ये अल्लाह रबालमीन ने आपके लिए लिख दिया था अगर कोई मुसीबत आती है कोई परेशानी आती है ये भी अल्लाह रबालमीर ने आपके लिए लिख दिया था अब जब एक मोमिन उसका ईमान और यकीन हो जाता है कि सारी चीज़ें जब अल्लाह की तरफ से हैं जो कुछ होना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा था तो ऐसी सूरत में वो क्या करता है आप दूसरों का मामला देखें जो परेशान हो जाते हैं मुसीबत आने पर और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो ग़लत कदम उठा लेते हैं कोई नशे की आदत में मुबला हो जाता है कोई अपने आप को किसी तरीके से हलाक करने की कोशिश करता है कोई मुसीबत को झेल नहीं पाता है तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है गोया ये कि हर तरीके से वो अपने आप को तबाही की तरफ़ ढकेलने लगता है लेकिन एक मोमिन का मामला क्या होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाजब मोमिन कि मोमिन का मामला बहुत ही अजीब है और हर हाल में उसके लिए भलाई है हर हाल में उसके लिए भलाई है खैर ही है अगर उसको कोई खुशी पहुँचती है खुशहाली या नेमत उसे मिलती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है वो ये जानता है कि मैं करता मैं चाहता तो नहीं होता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा है तो ही मुझे ये नमत मिली है लिहाजा उस पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है और शुक्र अदा करने का तरीक़ा और उसके ताल्लुक से चंद चीज़ें इंशाल्लाह हम आखिर में जानेंगे उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अगर उसको कोई मुसीबत पहुँचती है परेशानी पहुँचती है तो वो उस पर सब्र करता है उस पर सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है सब्र क्या है सब ये है कि एक आदमी अपने आप को रोक ले अपने आप को रोक लेना रोकना किन चीज़ों से है रोकना है अल्लाह आलमीन की मासीियत से अल्लाह आलमीन की नाफरमानी से कोई तकलीफ़ पहुँचती है कोई परेशानी आती है आपके पास माल की कमी हो गई या घर में कोई ऐसी परेशानी है कि आप उसको झेल नहीं सकते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो सूद पर लोन लेने निकल जाए कर्ज़ लेने निकल जाए या एक ही किसी का माल चोरी करने निकल जाए मासीत से रुक जाना नाफरमानी से रुक जाना इस पर हमें सब्र करना है ये भी क्या है सब्र है इसी तरह से सब्र करना है अल्लाह <episodes> be रबालमीन की इतात पर अल्लाह रबालमी की इतात पर सब्र करना है कि अल्लाह की इतात पर बंदा जमे रहे नमत आपके पास है खुशहाली है सिर्फ उसी वक्त अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह रबालमीन कुछ आजमाइश डाले कोई परेशानी डाले कई लोगों को देखने में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ में आते हैं पाबंदी से हाजिर हैं लेकिन कुछ दिनों में ग़ायब हो गए जब उनसे कहा जाए क्या मामला है घर में परेशानी है और कुछ मसाइल हैं काम बढ़ गया है नहीं आ पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इसलिए नहीं करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दे रहा था हम इबादत करेंगे जब अल्लाह ने देना बंद कर दिया तब हम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़मा रहा है कि मेरा बंदा परेशानी की हालत में मेरी तरफ रुजूर होता है मुझ पर भरोसा रखता है या एक ही दुनियावी इसबाब पर भरोसा कर लेता है और उसी पर तवक्कुल कर लेता है इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमिनना सिमैया अबूदुल्ल हरफ लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं एक किनारे होकर एक किनारे होकर अल्लाह की इबादत करते हैं फ़ाइन असाब खैर इतमान अगर उनको अल्लाह की तरफ से नेमत मिल रही है इबादत पर जमे हुए हैं मुतमिन है कि हाँ हम नमाज पढ़ेंगे हम रोज़ा रखेंगे सारे नेक काम करेंगे व इन असाबत हुफ नब अलावज ही लेकिन जब उनको कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो फ़ौर पलट जाते हैं फ़ौर पलट जाते हैं तो गोया की ये जो बंदा था उसने इतात पर सब्र नहीं कियाब आलमिन की इतात अल्लाह रब्बालमिन की बंदगी पर भी सब्र करना है सब्र का माना है रुक जाना जमे रहना तो पहला हमने देखा कि मासीत से रुकना है गुनाह से रुकना है अल्लाह की नाफरमानी से रुकना है और दूसरा ये कि अल्लाह की इतात वाले कामों पर जमे रहना है चाहे हालत कोई भी हो मुश्किल या परेशानी कितनी ही क्यों ना हो अल्लाह की इतात और अल्लाह की बंदगी को नहीं छोड़ना है इसी तरह से अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया इन अल्लाह रजीबोन शाबी सतल सब वत रब्बुल आलमीन ऐसे नौजवान को देख करके बहुत ताज्जुब करता है कि जिसके अंदर कजी नहीं होती है जिसके अंदर टेढ़ापन यानी है कि वो सीधे रास्ते से हट जाए मासीयत में चले जाए या अल्लाह की इताअत को छोड़ दे और वो ऐसा नौजवान नहीं होता है जो जो अल्लाह इताअत पर जमे रहता है अल्लाह की बंदगी पर जमे रहता है अल्लाह रब्बालमीन ऐसे नौजवान को देख कर बहुत तजुब करता है ऐसे नौजवान को देख करके अल्लाह रब्आमीन पसंद फरमा ताजुब इस माना में कि अल्लाह उस नौजवान को पसंद करता है तो अल्लाह की मासीत से भी रुकना ये भी सब्र है और अल्लाह की इतात पर जमे रहना ये भी सब्र है अल्लाह ने जो तकदीर में लिख रखा है उस पर ईमान रखना यकीन रखना कि अल्लाह ने लिखा था अल्लाह रबालमीन ने हमारे साथ खैर का मामला सोचा होगा तभी आलमीन ने मुझ पर यह मुसीबत डाली है जब एक बंदा सब्र करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ देखिए ये जो तीसरी चीज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तकदीर में लिख रखा है उस पर जमे रहना उस पर यकीन और तवक्कुल रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा है और अल्लाह ने जैसा लिखा वैसा ही होगा और इंशा अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे मेरे साथ खैर का मामला करेगा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न ए ज़न है अल्लाह के साथ अच्छा गुमान है जब ये गुमान और ये ख्याल आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं जब यह सोच आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं यानी यह यकीन और तवक्कुल आप अपने अंदर ले आते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ अच्छा ही ख्याल किया होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के साथ मामला भी वैसा ही करता है बंदा ये सोचे कि अल्लाह ने तकदीर में जो लिखा है मैं उस पर राज़ी हूँ मैं उस पर खुश हूँ जब बंदा अल्लाह के साथ खुशी का इजहार करेगा उसका ताल्लुक भी अल्लाह से जुड़ा रहेगा अल्लाह से मजबूत और गहरा ताल्लुक रहेगा और साथ साथ अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं करेगा बदले में अल्लाह रबूल क्या देगा अल्लाह के रसूल रसुल्लासम ने फरमाया अब आलमीन कहता है अना इंदा बन अब मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ मैं अपने बंदे के ख्याल के साथ होता हूँ बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है मैं उसके साथ वाना मा हूँ है और बाज़ बायतों में है वानामा हूँ इ करनी कि मैं उसके साथ होता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है जैसा बंदा अल्लाह के साथ गुमान करेगा जैसा बंदा अल्लाह के साथ ख्याल करेगा अल्लाह औरबालमीन वैसा ही मामला करेगा कई लोग होते हैं जब मुसीबत आती है परेशानी आती है तो सब्र नहीं कर पाते हैं क्या कहते हैं अल्लाह रब्आमिन ने हमारे साथ ऐसा ही लिखा है हमारे साथ हमेशा ही होता है आप दो तरह के लोगों को पाएंगे कि एक आदमी जो बहुत मालदार हैं हर तरह की नेमत उसके पास मौजूद है लेकिन आपको वो हमेशा परेशान दिखाई देगा क्यों उसकी वजह ये है कि जब भी आप उससे मिलेंगे कहेगा परेशानी चल रही है बिजनेस नहीं चल रहा है दुकान नहीं चल रही है मामला यहाँ फंसा हुआ है हमेशा आपको परेशान दिखेगा जबकि आप खुद गौर करेंगे इसके पास तो सब कुछ है फिर इतना परेशान क्यों है परेशानी की वजह यह है कि वह अल्लाह की तकदीर पर आदि नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उसका गुमान अच्छा नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपने गुमान को अच्छा बनाए बेहतर बनाए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ वैसा ही मामला करता है जैसा आप अल्लाह के साथ गुमान करेंगे उसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी है जिसके पास इतना नहीं है लेकिन फिर भी आपको हमेशा खुशहाल दिखाई देगा हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा क्यों क्योंकि उसका गुमान अल्लाह के साथ अच्छा है जब भी आप पूछेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हुए मिलेगा तो ये बहुत गहरी चीज़ है जो हमें अपने अंदर पैदा करना है कि अल्लाह के साथ अपने गुमान को बेहतर बनाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपने ख्याल को बेहतर बनाए आप अल्लाह के बारे में हमेशा ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ अच्छा ही मामला करता है मुसीबत आती है तो भी ये सोचिए कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकीनन कहीं ना कहीं खैर ज़रूर लिखा होगा इसी तरह से चौथी चीज़ जो सब्र के अंदर दाखिल है वो ये है कि बंदा लोगों की तरफ से मिलने वाली अजियत पर और तकलीफ पर सब्र करे और ये तो मारूफ़ है और यही लोग आमतौर सब्र का माना लोग यही जानते हैं सब्र का माना लोग यही जानते हैं कि कोई तकलीफ़ देता है तो उस सब्र करना उस सब्र करना तो उस पर भी हमें सब्र करना है कि अगर कोई तकलीफ़ देता है अजियत देता है तो उसको माफ़ करना उसको दरगुजर करना उसकी ग़लतियों को नज़रअंदाज करना और उस पर गुस्सा ना होना सारी चीज़ों की फ़जीलत अदीत में आपको मिल जाएगी कि गुस्सा पीने की फजीलत किसी को किसी पर जुल्म ना करने की फजीलत ताकत होने के बावजूद बदला ना लेने की फजीलत सारी फजीलतें आपको अदादी में मिल जाएगी ये क्या है यही चीज़ है जो सब्र कहलाती है और सब्र का बदला क्या है सब्र का बदला अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं शरीयत में कि अल्लाह और आलमीन ने मेरे इल्म के मुताबिक जहाँ तक मैंने गौर किया कि दो चीज़ें हैं कि जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई सवाब मुतयन नहीं किया है आपको नमाज पर सवाब मुकरर मिल जाएगा किस नमाज़ पढ़ने पर सवाब है हज पर आपको सवाब मिल जाएगा दूसरी इबादतों पर आपको सवाब मिल जाएगा कि फ़ला यह सवाब है अल्लाह कहने पर यह फजीलत है इसी तरह से कई सारे हर अमल की हर नेकी की आपको कोई ना कोई फजीलत मिल जाएगी लेकिन रोज़ा रखना और इसी तरह से सब्र करना ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह आलमीन ने जिनका अजर मुतिन नहीं किया है रोज़ा ख़ुद आप ये जाने कि रोज़ा इसके लिए लफ्ज़ अरबी में जो इस्तेमाल होता है वो सौम है और सौम और सब्र दोनों हम माना लफ्ज़ हैं सौम का माना भी है रुक जाना और सब्र का माना भी है रुके रहना रुके रहना दोनों का माना रुकने का है यानी आदमी अपने आप पर काबू रखे अपने आप पर कंट्रोल रखे अल्लाह आलमीन ने कुरान करीम में फ़रमाया नमा यूवाबिर बगैर हिसाब कि बेशक अल्लाह आलमीन सब्र करने वालों को बगैर हिसाब अजर और सवाब अताा करेगा अल्लाह आलमीन ने सारी नेकियों पर क्या है अजर जिक्र किया लेकिन सब्र पर अल्लाह आलमीन ने क्या कहा कि इन नमा यूअबरुन अजरहम बगैर हिसाब कि अल्लाह आलमीन यकीनन सब्र करने वालों को बिला हिसाब अजर अता करेगा इसी तरीके से यही चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोदे के बारे में बयान फ़रमाई आप सल्लल्लाहु सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ली व अना जज़ीबी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा तो यहाँ पर सब्र की फजीलत हमें मालूम होती है कि सब्र करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला हिसाब और बिला किताब अल्लाह रब्बुल रब्लालमिन अज्र सवाब अता करेगा इसी तरह से सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मैत बहुत मशहूर आयत है और हर किसी को बचपन से तकरीबन याद होती है कि इनअल्लाबरीन कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है ये आयत याद होती है दूसरों को नसीहत करने में लेकिन आदमी खुद पर आती है तो भूल जाता है हम क्यों भूलते हैं इस आयत को जबकि हमें यकीन और तवक्कुल होना चाहिए कि अगर हम सब्र करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा अल्लाह रबालमिन की मैतल अल्लाह रबालमीन के साथ का क्या माना है अल्लाह रबालमीन के साथ का माना यह है कि अल्लाह रब्लम आपकी उस मुसीबत को हल करने में या आपकी परेशानी में आपको सुकून और इत्मीनान दिलाने में अल्लाह रबालमी आपके साथ है आप पर परेशानी आती है आप सब्र कीजिए अल्लाह रब्बालमीन का वादा है कि अल्लाह रबालमी आपके साथ है अल्लाह रबालमीन आप की मुश्किल को दूर करेगा ख़त्म करेगा इसी तरह से सब्र करने वालों को अल्लाह आलमीन इमामत अता करता है वो उनको अल्लाह आलमीन लीडर बना देता है कौम का अगुआ और पेशवा होते हैं और इसी तरह से गोया कि अगर हम यहाँ पर इस माना को देखें कि अल्लाह आलमीन हर तरीक़े से उनको कामयाबी अता करता है ख़ास करके ये चीज़ क्या है तलब इल्म में भी होना चाहिए इल्म के हासिल करने में लेकिन उससे पहले हम देखें देखे सजदा अल्लाह आलमीन फरमाता है व जामत मिनहुम ना बी अमरीना लम्मा सबरु कि हमने उनमें से कई लोगों को इमाम बना दिया पेशवा बना दिया यहदूना दूना अमरीना और वो हिदायत पा रहे थे हमारे हुक्म से मतलब वो किसी काम में निकलते अल्लाह आलमीन की तरफ से उन्हें हिदायत मिला करती आप कोई काम के लिए निकलते हैं किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बालमीन आपकी रहनुमाई करेगा एक आदमी जो ख़ुद अपना मेहनत करके कोशिश करके आप एक तस्वर करें मिसाल कि एक आदमी अपना मेहनत करके कोशिश करके कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो ऐसा करूँ तो ऐसा हो किसी काम में आगे बढ़े और एक आदमी जिसको अल्लाह और रबालमीन गाइड कर रहा है अल्लाह और रब्बालमिन रहनुमाई कर रहा है तो कौन कामयाब होगा जाहिर सी बात है जिसको अल्लाह रब्लम की रहनुमाई हासिल है अल्लाह आलमीन ने वही फ़रमाया व जामत यह अमरीना हमने उनमें से कई लोगों को क्या है अइमा इमाम पेशवा बना दिया और वो हमारे हुक्म से हिदायत पा रहे थे क्यों अल्लाह आलमीन ने उनके साथ ये मामला किया लम्मा सबरु जब उन लोगों ने सब्र किया सब्र करने के बाद अल्लाह आलमीन बंदे को हिमत अता करता है एक बंदा जिसको सब्र ना हो तो वो जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा लेता है कोई भी कदम उठा लेता है लेकिन एक बंदा जिसके अंदर सब्र हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको हिदायत मिलती है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर कदम पर चाहे दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो हर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको रहनुमाई मिलती है कि यहाँ पर यह कदम अगर मैं रखता हूँ या ये काम करता हूँ तो मेरे लिए नुकसान होगा अगर ये करता हूँ तो मेरे लिए फ़ायदा होगा लेकिन कब जब बंदा सब्र करेगा वरना अक्सर निकाह तलाक या इसी तरह से आपसी अख्तिला लड़ाई झगड़े खानदानी आपसी जो लड़ाइयाँ होती है किस बुनियाद पर होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सबब है सब्र ना करने की बुनियाद पर फिक्र से कदम ना उठाने की बुनियाद पर और आदमी बेसब्रा होकर के किसी की बात को सुना फौरन उसके जहन में जो आया उसने वो कदम उठा लिया अल्लाह आलमीन की तरफ से हिदायत नहीं मिलती है लेकिन जो गौरव फिक्र करता है अल्लाह आलमीन उसे हिदायत देता है रहनुमाई करता है सब्र का एक मक़ाम सब्र की एक फजीलत यह भी है कि ये तमाम मामलत में सब में बेहतरीन चीज़ है और अल्लाह सब्र करने वालों को सब में बड़ा खैर अता करता है सब में बड़ा खैर अदा करता है दुनिया में भी और आखरत में भी अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़गोम क़ियामत यमन्ना अलआफ़ियती लौकानत बिल बिलमकारीद कि क़यामत के दिन अहलुल आफिया जो दुनिया के अंदर सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहे थे उनको हर तरह की न्यामत अल्लाह ने अता की थी क़यामत के दिन वो क्या चाहेंगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों को यानी उनके मुकाबले में कोई और आदमी हो जिसने किसी मुसीबत पर या किसी अदयत पर सब्र किया होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सब्र करने वालों को अजर और सवाब और जो न्यामतें अता करेगा तो ये लोग क्या करेंगे ये लोग चाहेंगे सोचेंगे कि काश हमारी चमड़ियों को दुनिया के अंदर कैचियों से काट दिया गया होता और हम उस पर सब्र करते अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी आज ये मकाम और मर्तबा अता करता तो सब्र करना एक बहुत अहम चीज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है और अल्लाह चाहता है कि बंदा एक मक़ाम को पाले एक मर्तबे को पाले लेकिन बंदे का ज़ाहरी अमल ऐसा नहीं है कि वो उस मकाम को पहुंच जाए अल्लाह और रब्बालमिन उसको आजमाइशों में डालता है और बंदा सब्र करता है यहाँ तक कि अल्लाह अबिन उसको उस मकाम तक पहुँचा देता है तो मसायब को ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह और अबिन की तरफ से हमेशा अदाब ही है बल्कि बंदे को चाहिए कि मसी मुसीबत आने पर सब्र करे सब्र के दामन को ना छोड़े और उस वक्त अल्लाह अबालमिन से उम्मीद रखे कि अल्लाह और अबालमिन कम अज़ कम इसके जरिए से मेरे दर्जात को बढ़ाएगा और बुलंद करेगा जैसा कि मशहूर रवायत ऐसे ही बुखारी की अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फ़रमाया मिन नसबी वला वबिन कि मुसलमान को कोई भी तकलीफ़ या थकावट भी पहुँचती है मामूली सी तकलीफ़ मामूली सी थकावट भी पहुँचती है वला हम वला हजनन और ना ही कोई ख़याली तकलीफ़ और कोई गम कोई भी चीज़ पहुँचती है वला अदन वला गम और ना ही कोई अजियत ना ही कोई गम मतलब जितनी भी तरीक़े हो सकते हैं जहनी तौर पर दिली तौर पर सोच के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तकलीफ़ों का जिक्र किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हवकतीशाक कुहा यहाँ तक कि अगर उसके कदम में कोई कांटा भी चुपता है या अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है उसके ज़रिए से उसके गुनाहों को माफ़ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तकलीफ़ की वजह से उसके गुनाहों को माफ़ करता है तो ये सब्र करने वालों का मकाम और मर्तबा हमने देखा कि सब्र करना यह दुनिया के अंदर भी एक बंदे को खैर और कामयाबी अता करता है और इसी तरीके से उसके लिए आखिरत में भी कामयाबी का जरिया और सबब है अच्छा सब सब्र के साथ साथ जो लाजिम चीज़ है सब्र के साथ साथ लाजिम चीज़ है शुक्र क्योंकि जिसके अंदर सब्र होगा खुद ब खुद वो शुक्र की सिफत पर शुक्र की सिफत को पालेगा खुद ब खुद उसके अंदर शुक्र की सिफत पैदा हो जाएगी और जो शाकिर होगा वो सा, साबिर भी होगा जो शाकिर होगा वो साबिर भी होगा क्योंकि अगर वो शुक्र कर रहा है तो कभी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही उसको ही रहे कभी कभार अजियत भी तकलीफ भी पहुंच सकती है किसी की तरफ से तो वो उस पर सब्र भी करेगा उस पर वो सब्र भी करेगा और जो सब्र करता है तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वो तकलीफ में ही रहे कभी न्यामत भी मिलती है तो अगर उसको नमत मिलती है तो वो उस पर शुक्र भी अदा करेगा और नामतों के बारे में अभी हमने देखा कि न्यामतें हो या तकलीफ़ हो सब के सब अल्लाह और अबीन की तरफ से होती है और दोनों चीज़ें आजमाइश के लिए होती है सुलेमान सलेमानसम ने कहा था हाजा मुनफतली रबी ये मेरे रब का फजल है लियालू अनी अम अकफुर ताकि अल्लाह रब्बुल अबीन मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या कुफ्र करता हूँ ना शुक्री करता हूँ तो अल्लाह औरबूलमिन ने जो इनाम दिया है ये अल्लाह रबूल आलमीन की तरफ से आजमाइश है अल्लाह अल्लाहबालमिन मुझे इसके ज़रिए से आज़माना चाहता है तो न्यामतें मिलने के बाद एक बंदे को किब्र में मुबला नहीं होना चाहिए न्यामतें मिलने के बाद एक बंदे को किब्र में मुबला नहीं होना चाहिए बल्कि असल मुनयम को देखना चाहिए मुन यानी इनाम देने वाला असल इनाम देने वाले को देखना चाहिए कि जो इनाम देने वाला है और उसी का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि कारून उसने क्या कहा था इन नमा ओती तो अलाम मुझे तो ये मेरे इल्म की बुनियाद पर दिया गया है उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिली नेमतें अल्लाह की तरफ से और उसने क्या किया अल्लाह को छोड़ कर के खुद ही की तरफ मनसूख कर लिया कई लोग होते हैं हमें जो दो तरह के लोग होते हैं अल्लाह की तरफ से नेमत मिलती है तो या तो ख़ुद की तरफ मनसूख कर लेते हैं कि मेरी मेहनत का मेरी कमाई का मैंने अपने दिमाग से किया और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना ख़ुद का शुक्र अदा करते हैं मतलब खुद पर भी वो नहीं करते हैं कि मैं मेरी तरफ से बल्कि वो सीधे किसी और की तरफ मनसूख कर देते हैं और उनका ये अमल देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र को जब बंदा छोड़ता है तो कभी कभार वो शिरक की हद तक भी पहुंच जाता है आप कई सारे लोगों को देखेंगे औलाद दिया अल्लाह ने नजर व के लिए जानवर दबा करते हैं किसी और के नाम पर किसी बाबा के नाम पर किसी पीर के नाम पर कि इनकी तरफ से मिला है अल्लाह और ने बिजनेस में कामयाबी अदा किया फला बाबा और फला वली के नाम पर चादर चढ़ा रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें क्या है अगर असल मुनयम को असल इनाम देने वाले को नहीं पहचाना जाए तो बंदा शर्क तक भी पहुंच जाता है इसीलिए बंदे के अंदर नेमत मिलने के बाद एहसास होना चाहिए कि इनाम देने वाली जात कौन है और ये सब में पहला मरला है शुक्र का कि कम से कम एहसास तो हो हमें नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं होता है कि कितनी अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी अभी कुछ अभी एक साल का अरसा गुजर रहा है हम एक बड़ी बीमारी से अल्लाह सेल्हदिल्लाबा ने हमें निकाला है लेकिन उस बीमारी में देखिए कि कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ दिक्कत परेशानी ये तमाम चीज़ें अल्लाह अब हम आराम से सुकून से अलहमद सांस ले रहे हैं जी रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा इनाम है और उसी वक्त में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई लोगों की उसी वजह से मौत होने लगी कि जिसको वो दिन में लाखों मरतबा खींचते हैं निकालते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नहमत को इस्तेमाल करें हमें एहसास ही नहीं है कि अल्लाह की न्यामत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब में पहले तो बंदे को एहसास होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब में बड़ा इनाम करने वाला है अगर बंदा सिर्फ इतनी ही चीज़ पर गौर कर ले तो ख़ुद ब खुद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शाकिर हो जाएगा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो सब में पहली चीज़ कि दिल से एहसास होना चाहिए दिल में कम से कम शुरू होना चाहिए सोचना चाहिए हमें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेमत अता की है नेमत शुक्र का ये पहला दर्जा है कि बंदा दिल में सोचे और यकीन करे कि ये हकीकत में अल्लाह आलमीन ही इनाम देने वाला है ये तो मैंने एक मिसाल दिया वरना कई सारे इनामत अल्लाह आलमीन के अनगिनत इनाम हमारे पास मौजूद हैं अनगिनत इनाम हमारे पास मौजूद है वहीं ताउद ने अल्लाह आलमीन ने खुद फ़रमाया और ये खिताब सिर्फ़ मालदारों से नहीं है ये खिताब दुनिया के फ़कीर से फ़क़ीर जो गरीब से गरीब आदमी हो उससे भी अल्लाह औरबुलआमिन का ये खिताब है कि अगर तुम अल्लाह की न्यामत को इस शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो कितनी न्यामत अल्लाह और रबालमीन है वफ़ी अफला तुबरून कि तुम्हारे नफ्स में ही देखो अपने जान के अपने अंदर देखो कि अल्लाह और अबीन का कितना इनाम है कि अगर एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तो आदमी क्या है लाखों रुपए के अंदर का एक हिस्सा भी ख़राब हो जाए तो लाखों रुपये ख़र्च हो जाते हैं और अगर कई सारी चीज़ें हैं मिसालें दी जा सकती हैं हम खुद जानते हैं और रोज़ाना हम लोगों के साथ होते हुए देखते भी है तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें ग़ौर करें कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे और अपनी नेमतों में हमेशा हमें बाकी रखे लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से नेमत छीन ले तो उसका क्या हाल होगा उसका क्या हाल होगा तो क्या बंदे को नहीं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें तो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें पहली चीज़ दूसरी कि जब दिल से एहसास हो गया तो उसका ज़िक्र ज़ुबान पर भी होना चाहिए वह अम्मा मबिन अहमद रबी का फहदिस कि अपने रब की न्यामतों को बयान किया करो अल्लाह रब्बुल आलमी ने जो तुम्हारे ऊपर इनाम किया है सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल में ही सोचा जाए दिल में ही तसवूर किया जाए कि अल्लाह का बहुत एहसान है अल्लाह का बहुत शुक्र है बल्कि उसका जिक्र ज़ुबान पर भी होना चाहिए जब कोई मिले आप अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्ला हाल कहिए अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ है मसाइब है मुश्किल है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दूर करने वाला है लेकिन अल्लाह का इनाम उससे जो मुसीबतें हमारे ऊपर आती है उससे कहीं ज़्यादा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे नक्स पर हमारे ऊपर होता है तो बंदे को चाहिए कि हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता रहे ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता रहे और अल्लाह की न्यामतों का तस्करा करता रहे इसी तरह से तीसरी चीज़ कि अमल से उसका इजहार होना चाहिए अमल से शुक्र के तरीक़े में तीसरा तीसरा अहम नुकता ये है तीसरा मरहला ये है कि अमल से उसका इजहार हो हम कहते तो हैं हाँ हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हाँ हम जुबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं लेकिन जब अल्लाह आलमीन का हुक्म आता है कि इस काम को करना है तो हम कितना उसके लिए दौड़ते हैं अल्लाह आलमीन किसी काम के लिए कहता है नमाज का वक्त आता है या कि कोई भलाई और कोई नेकी का काम करने का हमारे पास मौका है या किसी की तकलीफ़ को दूर करने का मौका है तो हम कितना उसके लिए लपकते हैं कितना दौड़ते हैं तो अमल से भी जाहिर होना चाहिए कि हाँ हम अल्लाह रबालमीन का शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह रबालमीन ने आले दाऊद से कहा था कि आले दाऊद शुक्र वाला अमल किया करो अल्लाह के शुक्र में आमाल को नेकियों को अंजाम दो और मेरे बंदों में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं बहुत ही कम लोग हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं वरना अक्सर लोगों को हम दुनिया में देखेंगे कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते हैं इसी तरह से अल्लाह आलमीन के लिए शुक्र अदा करने में अमल में एक तो ये चीज़ है कि हम इबादत को अंजाम दें अल्लाह आलमीन ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है और इसी तरीके से उस नेमत का इजहार भी होना चाहिए अगर अल्लाह ने कोई नेमत दिया है तो वो आपके ऊपर ज़ाहिर होना चाहिए कि हाँ अल्लाह रब्लमी ने न्यामत दिया है आप अल्लाह की न्यामत को इस्तेमाल कर रहे हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा एक लुकमा खाता है और अल्लाह की तारीफ़ करता है अल्हम्दुलिल्लाह कहता है एक गुट पानी पीता है और अल्लाह की तारीफ़ करता है तो अल्लाह रब्बालमीन ऐसे बंदे को पसंद फरमाते हैं अल्लाह रबूलमीन ऐसे बंदे से राज़ी हो जाता है जो बंदा ये अमल करता है हम अल्लाह की न्यामतों को कितनी मरतबा खाते हैं पीते हैं लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो खाने के दौरान पानी पीने के दौरान या पानी खा दुआ ही छोड़िए कि दुआ एक होता है अल्लाह का शुक्र अदा करना खाने के दौरान यहाँ जो बात हो रही है कि खाने के दौरान अलहदुल्ला कहना या पानी पीते वक्त अलहमदल कहना कोई चीज़ कोई किसी चीज़ के खाते या पीते वक्त अलहमद लाला अल्लाह का शुक्र अदा करना बात इस चीज़ की हो रही है कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अल्लाह अबमिन ने जिन दुआओं के पढ़ने का बिस्मिल्लाह कहना कि जो देने वाला है कम से कम उसका नाम तो लेकर के खा लें या उसके बाद खाने के बाद अल्लाह की तारीफ़ करना कई लोग इन चीज़ों को ही भूल जाते हैं तो फिर दरमियान में अल्लाह अबालमिन का शुक्र कहाँ से अदा होगा इसी तरह से एक सहाबी आए और नाममतों के इस्तेमाल की बात हो रही है कि न्यामतों को इस्तेमाल करना चाहिए जाहिर होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इनाम दिया है और एक सहाबी आए ओ, बिल्कुल परागंदा बाल बिखरे हुए बाल और कपड़े गंदे थे अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे पास अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें हैं तो उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सारी चीज़ें अता की है घर है घोड़े हैं बच्चे हैं सारी चीज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी बंदे पर इनाम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि अपनी नेमतों का असर उस बंदे पर देखे दिखाई देना चाहिए तुम्हारे ऊपर कि हाँ अल्लाह रब्आलमी ने इनाम किया है और इसकी शरह में महदिससिन ने यह भी लिखा है कि हो सकता है कि अगर आपको अल्लाह रबूल ने दिया है तो आपको और एक तरीक़ा मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करने का कि आपने नेमत को इस्तेमाल किया अब कोई ज़रूरतमंद आता है तो आपके माल पर जो हक बनता है उसका कम से कम वो आपसे सवाल कर सके कि वो भी ज़रूरतमंद हो और वो आपसे मांग ले और आपको एक और नेकी करने का मौका मिल जाता है वरना कई लोग ऐसे होते हैं जो इसी डर से अच्छे कपड़े और अच्छे लिबास में या एक ही बेहतर तरीके से नहीं रहते हैं कि कोई आकर के कुछ सवाल ना कर ले तो बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ उभारा है कि जब बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम या नेमत दी है तो उसका असर आपके ऊपर ज़ाहिर होना चाहिए इसी तरह से नेमत के इस्तेमाल में एक चीज़ ये भी है कि नेमत को इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह के शुक्र का ये हिस्सा है कि नेमत के इस्तेमाल करते वक्त उसको अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अल्लाह रबालमी ने जिन चीज़ों से रोका है या जालिमों की मदद के लिए इन चीज़ों के लिए उस नेमत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गोया कि आप अमली तौर से अल्लाह रब्आमिन की नाशुगरी कर रहे हो आप अमली तौर से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है आप उसे हराम खाने में इस्तेमाल करते हो या कि माल दिया है आप उसे हराम जगह पर इस्तेमाल करते हो गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशिक्री कर रहे हो क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई ज़रूरतमंद है जिनके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है जो आपके पास मौजूद है लेकिन आपके पास मौजूद है हक़ था कि आप उसको हलाल जगह में इस्तेमाल करते अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के जो हुकूक बनते हैं या ये कि आप अपने घर वालों को ही कम से कम फ़ायदा पहुँचाते लेकिन उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके आप हराम जगह पर इस्तेमाल करते हो तो ये भी क्या है ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की न्यामत का इनकार है अल्लाह की न्यामत के साथ कुफ्र करना है शुक्र की फ़जीलत में अगर हम देखें कि शुक्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों की सिफत के तौर पर जिक्र किया है पहला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद अपने आप को शाकिर कहा है ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को शाकिर कहा है माना यह है अल्लाह रबालमीन जब खुद को शाकिर कहता है कि अल्ला रबालमिन इन अल्लाह अलीम कि बेशक अल्लाह बेशमिन शुक्र करने वाला और जानने वाला है तो शुक्र अल्लाह शिक्रबालमिन कैसे करता है शुक्र का माना यह है कि अल्लाह रबालमिन बंदों के अमल को कबूल करता है बंदों के अमल को कबूल करता है अगर कोई बंदा नेक अमल करे अल्लाह रबालमिन कह सकता है तुम्हारा ये जो नेक अमल है मेरी इस नेमत का बदला है बंदा क्या कर सकता है अगर अल्लाह आलमीन कह दे कि तुमने ये नेक अमल किया है तुम्हें आग तो दी है मैंने तुमने उसके बदले में किया तुमने उसके बदले में किया है तो बात बराबर हो गई कैसा आजर चाहिए तुमको लेकिन अल्लाह आलमीन ऐसा नहीं है अल्लाह रब्लम रहीम है बख्शने वाला है रहम करने वाला है अल्लाह आलमीन रहमान है अल्लाह आलमीन शाकिर है कि आपको उसके बदले में नहीं बल्कि अल्लाह रब्लम आपकी नेकी को कबूल करता है और उसके बदले में अल्लाह अबालमीन और इनाम आपको देगा और इनाम आपको देगा तो ये माना है अल्लाह रबुलामी के शाकिर होने का इसी तरीके से अल्लाह अबीन जहाँ ख़ुद शाकिर है नबियों के लिए भी अल्लाह रबालमिन ने लफ्ज़ शिकुर का इस्तेमाल किया है नूसम के लिए अल्लाह अब्बमी ने फ़रमाया इुक़ाना अब्दन शकूरा इसमाइल आलाम इदरीसल झुल्कफ़िल्लाम इनके लिए अल्लाह रब्आलमिन ने शाकिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो हमारे शक्र गुज़ार बंदों में से थे इसी तरीके से इब्राहीम के बारे में अल्लाह रब्आलमिन ने फ़रमाया इन्ब्राहिम अकान्मानता कि बेशक इब्राहीम एक उम्म थे अल्लाह के लिए यकसू होकर इबादत करते थे हनीफा खाली अल्लाह की यकसू होकर इबादत करते थे वलम मुशरिकीन और मुशरिकों में से नहीं थे और अनुमी, अल्लाह की न्यामतों पर शुक्र अदा करने वाले थे तो खालिस अल्लाह की इबादत करते थे शिरक नहीं करते थे अल्लाह की न्यामतों पर शुक्र अदा करते थे उसके बदले में अल्लाह रब्लम ने क्या किया इजतबाह वदा अल्लाह रब्बालमिन ने उन्हें चुन लिया और उन्हें हिदायत दी अलासराती मुस्तीम सीधे रास्ते की तरफ़ अल्लाह के रसूल वसल्लम का ख़ुद मामला देखे कि आप आपलम हम अल्हम्दुलिल्लाह नेमतों में हैं और अल्लाह रबालमीन दिन ब दिन अपनी नेमतें आसान बढ़ाते जा रहा है और दुनिया वालों पर आसान करता जा रहा है लेकिन उसके बावजूद हम उतना ही अल्लाह के नाशुक्र बन बनते जा रहे ना शिक्रे ना शुक्र करना और इसी तरह से ना शिक्रे बंधे दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो गई है अल्लाह के वसल्लम का मामला देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो घर में खजूर या पानी कुछ ऐसी ही चीज़ें बस मौजूद थी अल्लाह के रसोल रजील कहती है कि अल्लाह की कसम आले मोहम्मद ने कभी दो रोज तक पेट भर के खाना नहीं खाया ये कैफियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाग करके नमाज पढ़ा करते थे यहाँ तक कि आप आप्स के कदमों में सोते भी थे लेकिन ज्यादा हिस्सा आप आपल्लम जागते थे यहाँ तक कि आपके आँखों में वर्म आ जाते पैर सूज जाया करते थे साहबा इक्राम ने कहा है अल्लाह के रसोल वसल्लम आप इतनी इबादत क्यों करते हो अल्लाह रब्बालमिन ने तो आपके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया अल्लाह के रसूल वसल्लम ने क्या फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ तो शुक्रगुजारी ये अल्लाह रब्लमिन के नबियों की जो बड़े और दर्जे पहुँचे हुए जो ऊँचे और आला दर्जे के नबी थे तमाम नबियों की सिफत थी लेकिन अल्लाह रब्बालमीन ने मखसूस नबियों का नाम जिक्र करके अल्लाह रबालमी ने कहा कि वो शुक्रगुज़ार बंदे थे और अल्लाह रबालमी ने इसी शुक्रगुजारी के बदले में क्या है अम्बिया को वो मकाम और मरतबा अता किया है और इसी लिए रबालमीन ने तमाम इंसानों को भी शुक्रगुज़ारी का हुक्म दिया है हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बालमीन के शक्रगुजार बंदे बने जो शुक्रगुजारी करते हैं वो अपने लिए करते हैं हम अगर, अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उसमें हमारा ही फ़ायदा है लुकमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा यशुन नमा यश्रिनफ़सी जो शुक्र अदा करता है तो वह अपने आप के लिए ही शुक्र अदा करता है आप शुक्र अदा करोगे उसमें भी आपका फ़ायदा है अल्लाह की नेमत को आपने इस्तेमाल किया अल्लाह ने नेमत दिया आपने इस्तेमाल किया अगर आप उस पर शुक्र अदा करते हो उस पर भी आपका ही फ़ायदा है नकुम कि अगर अल्लाह रब्बालमिन का शुक्र अदा करोगे अल्लाह अबीन कहता है मैं और ज़्यादा करूंगा आप अल्लाह का शुक्र जितना अदा करोगे अल्लाह रब्बालमीन और बढ़ा करके देता रहेगा तो कितनी अच्छी चीज़ है कि एक बंदा शुक्र की सिफत को अपने अंदर पैदा करे इसी तरह से जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह और रबालमीन उन्हें अजाब से बचा लेता है अजाब से अमन में डाल देता है ऐसे लोगों पर जो बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब नहीं आता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद फ़रमाया मा यफ़अलुल्लाहु आज़ाब इन शकरतुम व आमनतुम अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजाब क्यों देगा अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर? कि, कि, किस बुनियाद पर तुम्हें अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देगा ही नहीं अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शाकिर और शिक्र गुजार बंदे बन जाते हैं इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रदा हासिल होती है व इन तश्रद अगर तुम अल्लाह रबालमिन का शुक्र अदा करोगे अल्लाह रबालमिन तुमसे राज़ी हो जाएगा अल्लाह रबालमिन तुमसे खुश हो जाएगा और जाहिर सी बात है जिससे अल्लाह रबालमिन खुश हो जाए उसको दुनिया की भी नमत अल्लाह रबालमिन अदा करेगा और आगरत में भी उसके लिए अल्लाह रबाल ने इनाम तैयार कर रखा है शुक्र की सिफत कैसे पैदा की जाए यह बहुत अहम चीज़ है कि एक बंदा शुक्र की सिफत कैसे पैदा करे कैसे शाकिर बने तो शाकिर बनने के लिए अगर देखिए अल्लाह रब्लम ने दुनिया के अंदर मरातब रखे हैं किसी को कोई किसी चीज़ में ज़्यादा है कोई किसी चीज़ में ज़्यादा है किसी को कहीं और अल्लाह रब्लम ने खैर दिया है किसी को किसी और तरीक़े से अल्लाह रबालमी ने खैर दिया है लिहाजा इसीलिए जब दुनियावी मामले में आप किसी को देखते हो जो आपसे ऊपर है तो फ़ौर आप अपने से नीचे वाले को देखिए आप अपने से नीचे वालों को देखिए कि अल्लाह रबालमी ने कम अज़ कम मुझे ये चीज़ें तो अता की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इनाम तो मेरे पास मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा फ़रमायादम अलामाम फज़ी फ़िल्म वल्क़ जब भी तुम में का कोई किसी ऐसे आदमी को देखे जिसको माल में और खल्क में यानी बनावट में चेहरे में खूबसूरती में उसको फजीलत दी गई है वो अच्छा दिख रहा है या उसके पास ज़्यादा माल है फ़ल इनजुर हुआ असफ़लाम हो तो चाहिए कि वो अपने से कमतर को देख ले आप अपने से कमतर को देखिए आप अपने से नीचे वाले को देखिए कि कमस कम अज़ कम अल्लाह और आलमीन ने मेरे ऊपर ये इनाम तो नाज़िल किया है कि अल्लाह और आलमीन ने मुझे हाथ दिया है पैर दिया है हाथ सही सालिम है आँखें हैं काम कर सकता है अल्लाह और आलमीन ने एक रोज़ का खाना दिया है एक दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आ, मन असबहा मिनकुम को मुआफन फी जसदी व आमिनफ़ी सिर भी व इन दह यौमी फ़कामाज़त दुनिया तुम में का जो कोई सुबह करे इस हाल में कि वो अपने इलाके में अमन में है सुकून में है आमिनफ़ी सिर भी मन असबा हम इनको मुआफ अनफी जस दी उसका जिसम सही सालिम है जिसम के अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं है वह आमिनफ़ी सिर भी और अपने इलाके में सुकून से है अमन से है वह इन दहू को और उसके पास सिर्फ एक दिन का खाना मौजूद है फ़िका अन नमा दुनिया गोया कि उसके लिए दुनिया समेट दी गई इसका माना यह है कि आप उस दिन के बादशाह हैं कि आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी आप ऐसा नहीं था कि खाना नहीं खा सकते थे चल कर कहीं नहीं जा सकते थे जिसम के एतबार से भी आप सही सालिम हैं और इसी तरीके से अपने इलाके में अमन और सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं और इसी तरीके से खाना भी एक दिन का आपके पास मौजूद है कल की किसे खबर की कल उसके साथ क्या होने वाला है एक दिन का खाना आपके पास मौजूद है होया कि आप उस दिन के बादशाह हैं आपके पास अगर आज ये चीज़ मौजूद थी तो आप यकीन जाने कि आप आज के बादशाह थे इस पर अल्लाह औरबुलमिन का शुक्र अदा करना चाहिए वरना कई ऐसे लोग होते हैं कि वो फाके की नौबत आ जाती है कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने घर में बैठे हैं और बाहर निकलने पर खौफ और दहशत होता है कि पता नहीं बाहर निकले तो उनके साथ क्या मामला हो जाए लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अमन और सुकून में रखा है तो हमें चाहिए कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करें अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने इसी तरह से कायनात में गौर फिक्र करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें अदा की है उनमें ग़ौर फिक्र करना जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद फ़रमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन जकुमत उमतुम अल्लाह ने तुम्हें निकाला है तुम्हारी माओं के पेट से ला तालमूना सैया तुम कुछ नहीं जानते थे और ने सुनने की ताकत दी देखने की ताकत दी तुम्हें गौर वफिकने की दी। ताकि तुम शुक्र अदा करो आँख है कान है हमारे पास दिल है सोचने के लिए हमें चाहिए कि अल्लाह अबीन का इस पर शुक्र अदा करे लिहाजा आयत में इसी तरफ उबारा जा रहा है कि आप कायनात में गौर वफिक्र करें कि कितनी सारे अपने ऊपर अपने नफ्स पर अपने घर के अतराफ़ में अपने घर में गौर फिक्र करें कि अल्लाह रब्लमी ने इतने सारे इनाम और इतने सारे एहसान किए हैं और यकीन वाजिब होता है यकीनन कि मैं अल्लाह की शिक्र गुजारी करूँ इसी तरह से जो आपके साथ शुक्र करता है एहसान करता है अच्छा सलूक करता है आप उसका शुक्र अदा करें क्योंकि मन ला मल्ला यशकर जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है एक आदमी जो आप जिसको देख रहे हो कि उसने आपके साथ अच्छा सलूक किया कई लोग होते हैं कि उसी के साथ दगा कर देते हैं उसी को धोखा दे देते हैं तो ये शुक्र गुजारी नहीं बल्कि ना शुक्री है जब उसने देखने जो इनाम जाहिर में कर रहा था जो उसके पास मौजूद है और उसको तकलीफ से बचाया उसको परेशानी से बचाया जब उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता है तो अल्लाह का शुक्र कि उसको तो देखा भी नहीं अल्लाह के दाद को उसने उसकी अलामतों को ये ईमान और यकीन तवकुल एक अलग चीज़ है लेकिन एक ही अल्लाह और अबीन की रात को देखा नहीं तो अल्लाह का शुक्र कहाँ से अदा करेगा जो सामने मौजूद शख्स का शुक्र नहीं अदा करता है लिहाजा शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि आप सल वसम ने फरमाया कि जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे तुम उसको उसका बदला देने की कोशिश करो तुम उससे तुम उससे उसका बदला देने की कोशिश करो और अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना मिले कि उसका बदला दे सको तो उसके लिए दुआ करो यहाँ तक कि इतनी दुआ करो यहाँ तक कि तुम्हें खुद महसूस हो कि तुमने उसके साथ जो उसने सलूक करना था तुमने वो कर दिया मतलब तुम माली तौर पर मदद के तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन कम अज़ कम उनके लिए दुआ तो किया करो इसी तरह से महाजरीन सहाबा आए उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल वसल्लम अनसार तो हमसे आगे निकल गए अनसार हमारी इतनी मदद करते हैं हर तरीके से उन्होंने हमारी मदद की घर जायदाद हर चीज़ में खेत में हर चीज़ में हमें हिस्सा दे दिया वो तो हमसे अजर में आगे निकल गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माअ नहीं तुम अलई हिम नहीं जब तक तुम उनकी तारीफ़ करते रहोगे उनका शुक्र अदा करते रहोगे तो तुम भी अजर में वैसे ही शरीक रहोगे तो कोई अगर आपके साथ अच्छा सलूक करता है तो आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करें इसी तरीके से नाशुरी से बचें और नाशुरी जाने कि यह शैतान का सब में पहला हथियार होता है बंदे को गुमराह करने का बंदे को गुमराह करने का सीधी राह से हटाने का सब में पहला हथियार कौन सा होता है शैतान का कि बंदे को नाशुक्रा बना देता है जब बंदे के अंदर एहसास ही ख़त्म हो गया कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो फिर वो तो कहीं भी ले जा सकता है शैतान बहुत आसानी से उसको ले जा सकता है इसी तरह से इसीलिए शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत से निकाला उसने क्या कहा था फ़ुमअियम बैदी वमिन ख़लफ़िम वन आयान इम व शमाइल कि मैं उनके पास आऊँगा उनको बहकाने के लिए उनके सामने से उनके पीछे से उनके दाएँ से और उनके बाएँ से मैं हर तरफ़ से उनको बहकाने आऊँगा और बहकाऊँगा उसके बाद नतीजा क्या होगा ला तजिद अक्सर उम शाक्रन अल्लाह आलमीन से शैतान ने कहा तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा जब बंदा ना शुक्रा हो गया तब तो वो कुछ भी कर सकता है जैसे मैंने अभी शुरू में हमने मिसाल देखा कि इनाम दिया औलाद दिया अल्लाह ने और नाशुक्री करते हुए न्याज या जानवर दबा कर दिया फला बाबा और पीर के नाम पर फौरन उसको गुमराही की तरफ ले गया खुले शिरक की तरफ ले करके चले गया तो मुन का एहसास होना और इसी तरह से उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ये बहुत ज्यादा ज़रूरी है और जो शुक्र अदा करता है याद रखिए वो अपने लिए उसका ही फ़ायदा है वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये आयत बिन बिना रजी अल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कहते हैं मिन हैथु ला यालमून कि हम उन्हें ढील देंगे इस एतबार से इतना ढील देंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा सुफ़ियान बिना कहते हैं कि ढील देने का क्या माना है ढील देने का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शुक्र से गाफिल कर देगा वो लोग शुक्र अदा नहीं करेंगे वो लोग शुक्र अदा नहीं करेंगे जब शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र से गाफिल हो गए अब अल्लाह रब्बुल आलमीन यही उनको ढील दे रहा है इसी तरह से एक आखिरी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो बंदा शुक्र अदा नहीं करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों को अज़ाब की शक्ल में बदल देता है तो हमें डरना चाहिए और अल्लाह के शाकिर और शुक्रगुजार बंदे बनना है सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है और सुरेन हल का एक और नाम है कि इसको सूरत शुक्र या इस नाम की कोई सुरा कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह आलमीन ने बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है अल्लाह आलमीन फरमाता है वजह मसियतन कानत आमिनत रब्बुल आलमीन ने एक बस्ती की मिसाल दी जो अमन और सुकून में ज़िंदगी बसर कर रही थी या आती हर इसको हरा धजमिनक मकान और उसके पास रोज़ी हर जगह से आ रही थी एक ऐसी बस्ती की मिसाल जो हकीकत में मौजूद थी है, मक्का वालों के बारे में है कुरैश मक्का के तल्ल से कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो अमन और सुकून में थे और हर जगह से उनके पास रोज़ी आ रही थी फ़क़रत ब्यान उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाशुक्री की और लिबासजुअ वखौफ लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर भूख और ख़ौफ के लिबास को तारी कर दिया भी माकानू यसन उनकी बदआमालियों के सबब तो क्रैश मक्का पर जो अजाब आया था उसका एक सबब यह भी था कि उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का इनकार किया अल्लाह की नेमतों की नाशक् की हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतें अता की हैं और सब में बड़ी नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की है वो है इस्लाम की नेमत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया है माहिद बनाया है तोद पर हमें है, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि अगर दुनिया के अंदर कुछ ना हो यही नेमत रहे बंदे की आख़रत की कामयाबी के लिए काफ़ी है कि बंदा इसके ज़रिए से आखरत में कामयाब हो जाएगा तो हमें चाहिए कि इस नेमत को बाकी रखें इस नेमत पर ग़ौर फिक्र करें कि कितना कि बड़ा इनाम अल्लाह रबुलामी ने दिया है कि कई लोग हैं दुनिया की हर न्यामत हर चीज़ उनके पास है लेकिन तोहेद नहीं है उनका मामला क्या होगा आखरत में आख़रत में उनका क्या मामला होगा दुनिया की सारी न सारी चीज़ उनके पास है लेकिन तोहद नहीं है इस्लाम जैसी नमत नहीं है उनका क्या मामला होगा जाहिर सी बात है आखिरत में वो सब में बड़े नाकाम शख्स सब में बड़े नाकाम शख्स और वो आख़रत में उनके लिए कोई खैर और भलाई नहीं है लेकिन हमें अल्लाह रब्लमी ने माहिद बनाया है मुसलमान बनाया है ये सब में बड़ी नमत है और साहब क्राम जो ग़रीब साहब क्राम थे उनसे मशरकिन मक् ने कहा कि आ उलाम अल्लाम क्या ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हमारे दरमियान इनाम किया है मतलब अगर ये कोई इस्लाम न्यामत होती इस्लाम कोई न्यामत होता तो हमें अल्लाह रबूल सब में पहले देता हमें अल्लाह ने औलाद दिया है माल दिया है घोड़े हैं है सारी चीज़ें ज़मीन है अगर ये न्यामत की चीज़ होती तो अल्लाह पहले हमें देता अल्लाह रब्लमिन ने क्या फ़रमाया क्या अल्लाह शुक्र करने वालों को नहीं जानता है अल्लाह तुम्हें यह न्यामत दे सकता था लेकिन यह न्यामत अल्लाह ने तुम्हें क्यों नहीं दिया वो तो आजमाइश है जिसको तुम न्यायत समझते हो वो तो हकीकत में आजमाइश है नमत यह है जो इनके पास मौजूद है क्योंकि अल्लाह को पता है कि इस न्यामत को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे अगर अल्लाह हो सकता है कि अगर अल्लाह तुम्हें न्यामत देता इस्लाम तो तुम उसको इस्तेमाल करके उसको ज़रिया बना करके दुनिया में और फितना और फसाद कर सकते थे इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को महरूम रखा और गरीब साहब इक्राम को अल्ला रबालमिन ने न्यामत अदा की और जवाब में अल्लाह अल्लाबालमी ने क्या फ़रमाया क्या शक्र गुज़ार बंदों को नहीं जानता है लिहाजा अल्लाह की न्यायतों पर शुक्र अदा करें मुसीबतें और तकलीफ़ ये आजमाइश अल्लाह रब्आलमीन की तरफ से होती है उस पर परेशान होना और ऐसा परेशान होना कि अल्लाह और रबालमीन को भूल जाना ये एक मोमिन बंदे की शान नहीं होती है सब्र और शुक्र ये दो ऐसे पर हैं जो एक मोमिन बंदे को उड़ा करके जन्नत की तरफ़ ले जाते हैं लिहाजा इन दोनों का हमेशा सहारा लिया करें और इन दोनों को अपनी ज़िंदगी के हर मामले में साथ में रखें अल्लाह आलमीन यकीनन दुनिया में भी कामयाबी अदा करेगा का और आखिरत में भी कामयाबी अदा करेगा अल्लाह और आलमीन हमारे अंदर इन सिफ़ात को पैदा अल्लाह करेल्ला आलमीन हमें सब्र करने वाला बनाए अल्लाह आलमीन अपनी नेमतों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर नाजिल करें ताकि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने और हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने की तौफीक अता फ़रमाएँ आमीन व आखर रब्बिल आलमीन والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته